प्रधानमंत्री आवास योजना, कभी सोचा था कि गरीब को कोई पक्का छत मिलेगा? आज 4 करोड़ लोगों को छत मिल गया है। मैं आपको सुनाता हूं, शायद मैंने पहले भी बताया होगा, मैं 1993 में पहली बार एमएलए बन गया था, 1993 में, और 1993 में मेरे बीडीओ साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब, मेरे पास आया करते थे और मुझसे कहते थे, नड्डा जी आप बताओ, आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, किसको दें, किसको देना है? मैं बोलता था, भैया बीडीओ ये तू अपने पास ही रख, मैं किसको बांटूंगा, 100 बीमार 1 अनार कहां चलेगा काम? हम क्या करेंगे ये 2 मकान को लेकर के, किसको देंगे? आज मुझे खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बनकर के तैयार हुए। एक एक पंचायत में 25-25, 30-30, 40-40 मकान बन रहे हैं। आप कभी गांव में जाइए तो जरूर पूछो कि कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान है, जाके देखो वो पक्का मकान कैसा है, पक्की छत कैसी है। और मोदी जी का सपना है कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। ये बदलता भारत है, इसलिए 2024 में मोदी जी को लाना है और हमको कमल का निशान खिलाना है। हम बात करें, अगर अन्य योजनाओं की बात करें, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, विकसित भारत की तरफ बढ़ने की योजना, ये सारी योजनाओं को, जल जीवन मिशन, आप तो शहर से हैं, शहर में तो अगर पानी ना आए तो त्राही त्राही मच जाए, इसलिए आपके यहां दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं तो गांव से आता हूं, मेरी माताएं मेरी बहनें 2-2 किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतर करके किसी पोखर और तालाब से पानी भरती थी और फिर घड़ा उठा करके 2-2 किलोमीटर ऊपर जाकर के अपने घरों में वो पानी पहुंचाती थी। 4-4 घंटे दिन के लगते थे उनको पानी पहुंचने के लिए। आप सोचिए कि मोदी जी ने किस तरीके से उनका परिवर्तन किया, आज हर घर जल, हर घर नल, इस कार्यक्रम को आगे जल जीवन मिशन में बढ़ाने का काम किया है।